दोस्तों ये देखिए जन्माष्टमी आने वाली है और ये एक मुकुट है जो श्री कृष्ण जी लड्डू गोपाल के लिए बनाया है और ये मुकुट जो है घर पे बनाया है और अभी रक्षाबंधन के बाद जो राखियाँ बची थी राखियों के जो वेश था उससे बनाया है। ये देखेंगे ये सेंटर में जो नग वगैरह हैं और ये जो पार्ट है हमने राखी से लिया और इसकी राखियों की जितनी डोरी थी उसके ऊपर जो है हमने रैप अप किया है ये इसके कैप के ऊपर एक और ये मोर पंख जो है पड़ा हुआ था पुराना उस मोर पंख के को कटिंग करके और इसके ऊपर एक नग लगा करके तो ये देखिए मुकुट बनाया है घर का श्री कृष्ण जी राधे लड्डू गोपाल के लिए। और यही मुकुट अगर हम बाज़ार में लेने जाते हैं तो काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, 200-250 रुपए में आपका पड़ेगा और आप घर पे इसको आराम से बना सकते हैं और इस तरीके से आप अपना छोटा सा एक बिजनेस भी कर सकते हैं। आप अपना इस टाइप की क्रिएटिविटी दिखा करके कोई भी दूसरे भगवान के जैसे हैं दुर्गा माँ हैं राधे हैं तो उनके लिए भी मुकुट आप क्रिएट कर सकते हैं बना सकते हैं। ये लड्डू गोपाल हैं मेरे, इन लड्डू गोपाल के लिए ये मुकुट तैयार किया है, इनको अभी जन्माष्टमी पे सजाया जाएगा और ये देखेंगे कि इनका साइज जो है इसी हिसाब से बनाया है पूरा लड्डू गोपाल के लिए। इनको थोड़ा सा ये गम आता है उसके साथ में आप फिक्स कर सकते हैं इनके सर पे, ये मुकुट सजा सकते हैं। तो ये पीतल के लड्डू गोपाल हैं और जो मुकुट बना है वो भी पीतल जैसी लुकिंग दे रहा है, उससे मैच कर रहा है, देखेंगे आप तो उससे लुकिंग अच्छी आ रही है तो आप भी ये बना सकते हैं घर पे। अरे बिल्कुल मैच कर रहा हूँ मैं। दोस्तों ये देखिए ड्रेसेस है जो लड्डू गोपाल के लिए बनाई है और ये जो इनके जो वस्त्र बनाए हैं हमने लड्डू गोपाल के, ये सारा कपड़ा जो है इसमें आप देख सकते हैं कि छोटा सा ही कपड़ा हमने लिया है, करीब जो है आधे मीटर की एक छोटी सी कतरन है जो यूज़ किया है और लेसेस इसके अंदर लगाए हैं कपड़े के अंदर इनके ड्रेस के अंदर और ये लेस जो है इस तरीके से हमने ऊपर के लिए कंधे में फिट करने के लिए यहाँ पे इनके बना दिए हैं। तो यही ड्रेस अगर हम बाज़ार में लेने जाते हैं कम से कम 300 रुपये का, 350 रुपये से नहीं मिलती है आपको कम में। तो देखिए जो हम घर पे बनाते हैं तो उसकी लुकिंग अच्छी आती है और हमें अच्छा भी फील होता है कि हमने भगवान जी के लिए कुछ किया, उनके लिए वस्त्र बनाए। तो आप देख सकते हैं ये घर से बनाया हुआ उनके वस्त्र हैं और साथ ही साथ ये मुकुट भी जो है घर पे बनाया हुआ है। तो ये जन्माष्टमी के लिए मैंने जो है खुद इनके जो है प्रिपेयर किए हैं वस्त्र मुकुट वगैरह और इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। इसकी चुन्नट वगैरह डाल करके इसमें लैस वगैरह लगा करके इनकी ड्रेस वगैरह घर पर ही तैयार कर सकते हैं अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है। अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इसको हाथ की तुरपन द्वारा भी आप सिल सकते हैं, हाथ से भी जो है सिलाई करके इसको बनाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और इसको बनाइएगा ज़रूर, क्रिएट करिएगा अपने घर पर। तो इस प्रकार से आप बाकी की किसी भी देवी देवताओं के लिए आप ड्रेस तैयार कर सकते हैं घर पे खुद। धन्यवाद दोस्तों।